नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और श्री राम लल्ला के दर्शन में अपनी हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने अयोध्या नाथ से देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा के 19 विधायक और 13 मंत्रियों के श्रीराम के दर्शन किए। वहीं दर्शन के बाद सीएम और उनकी कैबिनेट काफी उत्साहित नजर आई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अयोध्या के राम मंदिर से तस्वीरें, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पूरे कैबिनेट, अपने मंत्रिमंडल के साथ भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान रामलला के दरबार में नजर आए। अयोध्या पहुंचे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, अपने पूरे कैबिनेट के साथ। उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन पूजन किए, भगवान रामलला का आशीर्वाद लिया, साथ ही प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना भी की। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और श्री राम लल्ला के दरबार में अपनी अर्जी लगाई। इस दौरान उन्होंने अयोध्या नाथ से देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा के 19 विधायक और 13 मंत्रियों के श्री राम के इन्होंने दर्शन किए। वहीं दर्शन के बाद सीएम और उनकी कैबिनेट काफी उत्साहित नजर आई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, साथ ही उनके साथ पूरा जो उनका मंत्रिमंडल है, पूरा कैबिनेट है, जिसमें 19 विधायक और 13 मंत्री शामिल हैं। सभी ने आज भगवान रामलला के दर्शन किए, भगवान राम का आशीर्वाद लिया और प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। सीधा रुक कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, आज अयोध्या में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी, भगवान रामलला के उन्होंने दर्शन किए, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी, आपको यहाँ पर बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है आज लगभग 9:30 बजे के करीब जो है मार्च से वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए हैं और वहाँ से लगभग 9:30 बजे वहाँ से निकल करके 10:30 बजे जो है रामलला का दर्शन किया है और उनके साथ में 19 विधायक और 13 मंत्री पूरे कैबिनेट की उनकी होती। और वहाँ पे जब वो पहुंचे हैं तो राम मंदिर पहुंचने को काफी उत्साहित दिखाई पड़े हैं। रामलला के संदेश जो है साष्टांग प्रणाम किया है, उनकी पूरी कैबिनेट में काफी उत्साह देखने को मिला है कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि के दर्शन पा करके जो है अपने को निहाल कर रहे हैं और भी लगभग आधे घंटे पहले जो है वो यहाँ से जो है हरियाणा के लिए बिल्कुल। विनय, जब भी कोई भी व्यक्ति जो है भगवान रामलला के दरबार में पहुंचता है, उत्साह और जोश अलग ही होता है, खुशी अलग होती है। अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे की बात करें, आज अयोध्या में उनकी मौजूदगी, अब क्या रवाना हो चुके हैं या आज वहीं रुकने का कार्यक्रम? साथ ही जिस तरह से भगवान रामलला के दर्शन उन्होंने कर लिए, इसके बाद क्या कुछ और भी कार्यक्रम? यहाँ से जो है मुख्यमंत्री जो है दर्शन करने के बाद जो है सीधा जो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। अभी कुछ ही देर बाद जो है वहाँ से जो है वो हरियाणा के लिए निकल जाएंगे। जिस तरह से बीजेपी शासित जो भी प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हरियाणा, हमने देखा एक एक कर सभी के जो कैबिनेट मंत्रियों के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है अयोध्या पहुंचते हैं भगवान रामलला के दर्शन के लिए। ऐसे में सब में कैसा जोश, कैसा उत्साह, कितनी खुशी? बिल्कुल, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो रामलला के दर्शन करने के लिए जो काफी दूर से आए हुए हैं और रामलला का जो दर्शन का मंदिर का वो स्वरूप है, उस भव्य है और काफी उत्साहित करने वाला होता है, तो आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता है, वहाँ आनंदमय हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट में देखने को मिला, वो अपने को काफी धन्य मान रहे थे कि भगवान रामलला ने हमको यहाँ पे बुलाया है, लेकिन समय की जो है कमी होने की वजह से जो है आज उनको वापस जाना पड़ा है और उन्होंने कहा दोबारा हम आएंगे तो यहाँ पे एक दो दिन जो है वो रुकेंगे और पूरी जो है नगरी भी घूमेंगे कि कितना सुंदर जो है राम की नगरी भगवान की है, तो अपने को काफी धन्य मानते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी आज भले ही बेशक ज्यादा समय ना मिला हो कि अयोध्या नगरी घूम पाए, लेकिन भगवान राम लल्ला का आशीर्वाद यहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
तमाम जानकारी के लिए। तो वही अब बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री का फर्जी सचिव बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। लोगों को फोन कर धमकी दिया करता था। विवेक शर्मा उर्फ बंटू चौधरी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। यूपी एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बस्ती जिले से एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से फर्जी लेटर पैड समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये वही शख्स है जो मुख्यमंत्री का फर्जी सचिव बनकर लोगों को ठगता था। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री का फर्जी सचिव बनकर एक व्यक्ति लोगों को ठगा करता था, ठगी करता था, लोगों को फोन कर धमकाता भी था और साथ ही उनसे ठगी किया करता था। इस शख्स का नाम विवेक शर्मा उर्फ बंटू चौधरी है, जिसे एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बस्ती जिले से एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से फर्जी लेटर पैड समेत कई चीजें बरामद हुई है। तो मुख्यमंत्री का फर्जी सचिव बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसका नाम विवेक शर्मा उर्फ बंटू चौधरी है, जो मुख्यमंत्री का फर्जी सचिव बनकर लोगों को ठगता था, लोगों को फोन पर धमकियां दिया करता था और उसके बाद उनसे पैसे ऐठा करता था। ऐसे में यहां पर यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही इसके पास से कई सारे सामान भी बरामद किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से ठगी का मामला ये सामने आया है और इस मामले में यूपी एसटीएफ को एक सूचना मिली थी कि यह लोगों के साथ ठगी कर रहा है और जिस तरह से लोगों से, कई लोगों से इसने पैसे भी ऐड किए थे, इस मामले में एसटीएफ ने गिरफ्तारी की और कई राज भी उगलवाए हैं। हालांकि जो पीड़ित है उनकी तरफ से भी एसटीएफ को से शिकायत हुई थी और अब इस मामले में जो आरोपी है उसे जेल भेजा जा रहा है। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से इस शख्स को फर्जी ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है, मुख्यमंत्री का फर्जी सचिव बनकर ये लोगों को ठगता था, क्या अकेले ये ठगी को अंजाम देता था या कोई गैंग है और वो गैंग ये सारा काम करती थी? ये बिल्कुल, जिस तरह से जो मामला आया है, एसटीएफ अगर किसी मामले में कार्रवाई करती है तो बड़े मामले की कार्रवाई करती है और एसटीएफ को यह सूचना मिली रही थी कि यह मुख्यमंत्री का पीए बनकर लोगों को फोन करता है, उनके काम कराने की एवज में यह मोटी कमाई कर रहा था और इस सूचना पर जब एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया तो एसटीएफ को इसे ठग ने कई अहम राजी बताया और सूत्रों का यह दावा है कि एसटीएफ उसके कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनके जरिए वो पैसे लेता था और लोगों को बरगलाने से काम करता था, उन्हें भी अब गिरफ्तार करेगी और इस मामले की जो है जांच, अब जांच का दायरा भी बढ़ गया है और एसटीएफ का दावा है कि गिरोह से जुड़े जितने लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सीए बनकर जिस तरह से लोगों ने ठगी की है लोगों के साथ, इस पर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से फिलहाल इस ठग को गिरफ्तार कर लिया गया, आगे इसके खिलाफ किस किस धाराओं में जो है एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जो मामला आया है एसटीएफ के पास, एसटीएफ ने इस मामले में एफआईआर पहले ही दर्ज कर रखी थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद एसटीएफ ने जाल बिछाया था और गिरफ्तारी किया और बताया जा रहा है कि इस ठग के खिलाफ ठगी के कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं। अब इसे जेल भी भेजने की तैयारी है और जो इसके साथ बिल्कुल, यानी यहाँ पर बड़ी कार्रवाई यूपी एसटीएफ की तरफ से, जहाँ मुख्यमंत्री का फर्जी ठग बनकर ठगने वाले शख्स को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद आसिफ, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अमेठी से है, जहां अमेठी में लंबे वक्त से गैर मौजूद चल रहे 5 शिक्षकों पर कार्रवाई को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को नोटिस भेज दिया है। बीएसए संजय तिवारी ने सभी 5 शिक्षकों को 3 बार नोटिस भेज चुके हैं और जवाब तलब किया है और अब जवाब न देने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि जिले में 5 शिक्षकों ऐसे 5 शिक्षक हैं जो पिछले 4 साल से अनुपस्थित चल रहे थे। ऐसे 5 हमारे कर्मचारी हैं जो खंड शिक्षा अधिकारियों की आख्या के आधार पर संज्ञान में आया कि ये 2 साल से 2.5 साल से 3 साल से लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं, तो इनको नियमानुसार हम लोगों ने नोटिस जारी किया। इनको उपस्थित होने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया, किंतु ये उपस्थित नहीं हुए। 4 बार 5 बार नोटिस नियमानुसार दिया गया, उसके बाद भी ये उपस्थित नहीं हुए और अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई इनके द्वारा। इसलिए समाचार पत्र में नोटिस निकालकर अब इनको आखिरी अवसर दिया गया है कि ये उपस्थित हो और कारण बताएं कि ये लंबे समय से क्यों नहीं उपस्थित हो रहे हैं। 10 दिनों के अंदर अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं और कोई कारण नहीं बताते हैं तो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करते हुए इनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई। तो अमेठी से एक खबर, जहां लंबे वक्त से गैर मौजूद चल रहे 5 शिक्षकों पर कार्रवाई को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को नोटिस भेजा है। बीएसए संजय तिवारी ने सभी 5 शिक्षकों को 3 बार नोटिस भेज चुके हैं और जवाब तलब किया, लेकिन जवाब मांगने पर भी जब ये सभी शिक्षक अनुपस्थित रहे, कोई जवाब दाखिल नहीं किया, तो इसके बाद अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संजय यादव का। संजय, जिस तरह से ये जो शिक्षक हैं ये अनुपस्थित चल रहे थे 4 साल का ये लंबे समय, और अब जब नोटिस भेजा गया है, अगर ये अभी भी हाजिर नहीं होते, जवाब दाखिल नहीं करते, कारण बताओ, जवाब जो नोटिस भेजा गया अगर ये जवाब नहीं देते, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ? भैया जी, आपको बता दें कि अमेठी जिले में जो 5 शिक्षक है, वो 5 शिक्षक जो है लगातार जो है वो गैर अनुपस्थित रहते थे, जिन पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि बीएसए संजय तिवारी जी ने लगातार बताया कि जो उनको नोटिस दिया गया उपस्थित होने के लिए, लेकिन वो किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिए, जिसके बाद समाचार पत्र में उनके उपस्थित होने की जो अंतिम खबर है वो छपवा दी गई, अंतिम नोटिस जो है वो चस्पा करवा दी गई है। अगर ये 10 दिन के अंदर नहीं उपस्थित होते हैं तो इनकी जो शिक्षक की सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी जाएगी, ये कहना है अमेठी के बीएसए संजय तिवारी का। रिया जी, संजय, जिस तरह से जो खबर है, जिस तरह से 4 साल से ये 5 शिक्षक जो थे अनुपस्थित चल रहे थे, ऐसे में आखिर इतना समय क्यों लग गया? ये जो कार्रवाई या ये जो नोटिस भेजे गए, इतना समय कैसे? और कहीं ना कहीं रिया जी देखा जाए तो इनको लगातार नोटिस किया जा रहा था, लेकिन जब से कार्यभार बीएसए संजय तिवारी ने संभाला है तब से इनको क्रम वाइज हर 15 दिन पर एक नोटिस दिया गया जो शिक्षक है इनको उपस्थित होने के लिए, लेकिन इससे पहले इनके अनुपस्थित होने की सूचना किसी को नहीं थी और ये लगातार जो है यहाँ गायब थे, क्योंकि कोई 1 साल से गायब है, कोई 2 साल से गायब है, कोई 3 साल से गायब है। इस तरीके से देखा जाए तो जो 5 शिक्षक है वो लमसम उसमें से सबसे ज्यादा वक्त जो है वो 4 साल का है, क्योंकि उसमें ऐसे भी शिक्षक है जो 4 साल से गायब है। तो कहीं ना कहीं इन पर जो कार्रवाई करने की बात है वो बीएसए संजय तिवारी का कहना है कि इनको अब आखिरी चांस दिया गया है और इनको आखिरी वक्त है कि ये 10 दिन के अंदर उपस्थित हो जाए और अपना कारण बताए, अन्यथा इनकी सारी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। यानी संजय, बीएसए जो है उनकी सक्रियता के बाद ये पूरा मामला सामने आया, नोटिस यहाँ पर उन 5 शिक्षकों को दिया गया जो 4 साल से जो है अनुपस्थित चल रहे थे, क्या माना जाए? क्योंकि ऐसे मामले जो है कई बार सामने आते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, आगे जाकर कोई भी जो शिक्षक है वो ऐसी हरकत ना करे, इतनी लापरवाह रवैया ना अपनाए, इसको देखते हुए आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, क्या संदेश देने की कोशिश? कहीं ना कहीं साफ संदेश है बीएसए संजय तिवारी जी का कि अगर इस तरीके से कोई भी लापरवाह शिक्षक होगा तो उसके खिलाफ जो है वो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी विभाग द्वारा, और कहीं ना कहीं चाहे वो बेहतर रोकने की बात हो, क्योंकि लगातार जो बीएसए है उनका अतिरिक्त निरीक्षण विद्यालय में चलता रहता है, लगातार वो जो अपने विभाग की सक्रियता है उसे दिखाते रहते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अमेठी में बीएसए संजय तिवारी द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां पर जो उनको नोटिस, अंतिम नोटिस दिया गया उसमें भी जो है रिया जी आपको बता दें 4 दिन का समय बीत चुका है, 6 दिन महज
शेष बचा है, अगर 6 दिन के अंदर ये पांचों शिक्षक अगर जवाब नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी सेवाएं समाप्त करने की बात जो है वो बीएसए तिवारी जी का कहना है कि इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो 6 दिन शेष है इसमें से कौन सा शिक्षक उपस्थित होता है और कितने ऐसे शिक्षक है जो गैर उपस्थित फिर भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आखिरी अवसर है उन शिक्षकों के लिए और आगे भी एक बड़ा संदेश है शिक्षकों के लिए कि अगर इस तरीके से लापरवाह शिक्षक होंगे तो उनके खिलाफ जो है विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल संजय, यानी बीएसए के द्वारा यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, सख्ती दिखाते हुए 5 शिक्षकों को गैर मौजूद या अनुपस्थित रहने पर नोटिस यहाँ पर जारी किया गया। हालांकि अब जैसा आपने भी कहा संजय, 6 दिन का समय और बचा है, इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर इन 6 दिनों के अंदर ये 5 शिक्षक क्या सामने आते हैं, कुछ जवाब यहाँ पर दाखिल करते हैं, कुछ वजह बताते हैं, और अगर नहीं तो उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। संजय आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में सरायम मजेर मरेज थाना क्षेत्र के सोरो पेट्रोल पंप के सामने एक बाइक को डंपर ने कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक एक ही परिवार के थे जो मीरगंज छात्रा क्षेत्र के गोधना बाजार के रहने वाले थे। तो प्रयागराज से खबर जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, एक डंपर ने बाइक को कुचल दिया। इस दौरान 5 लोग उसकी चपेट में आकर उन्हें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो प्रयागराज में सरायम मरेज थाना क्षेत्र के सोरो पेट्रोल पंप के पास का ये पूरा मामला जहां एक बाइक को डंपर ने कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक जो हैं एक ही परिवार के थे जो मीरगंज थाना क्षेत्र के गोधना बाजार के बताए जा रहे हैं। वहीं लखनऊ में अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा, छापेमारी में हुक्का समेत कई युवकों को हिरासत में लिया गया है। ठाकुरगंज पुलिस ने हुक्का बार पर यह कार्रवाई की। सफेद मस्जिद के पास हुक्का बार चल रहा था, तो लखनऊ से एक खबर जहां लखनऊ की सफेद मस्जिद के पास हुक्का बार चल रहा था, इस दौरान एक हुक्का बार में पुलिस ने छापा मारा और छापेमारी में हुक्का समेत कई युवकों को वहां से हिरासत में लिया गया। तो लखनऊ में सफेद मस्जिद के पास एक हुक्का बार चल रहा था, अवैध तरीके से इस हुक्का बार को चलाया जा रहा था, जहां अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा, छापेमारी में हुक्का समेत कई युवकों को हिरासत में लिया गया है। ठाकुरगंज पुलिस ने हुक्का बार पर यह कार्रवाई की है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल पंप पर युवक से मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों ने एक युवक को बेल्ट से पीटा। पेट्रोल पंप कर्मियों ने इस दौरान युवक का बीच बचाव किया। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं इस पूरे मामले का, जिसमें एक पेट्रोल पंप में युवक के साथ मारपीट होती है, बड़ी बुरी तरह से युवक को मारा जाता है। मारपीट का वीडियो भी इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों ने एक युवक को बेल्टों से पीटा, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मी जो है वो बीच बचाव करते नजर आए। तो तस्वीर आप देख सकते हैं। लखनऊ से तस्वीर जहां एक पेट्रोल पंप में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। एक युवक के साथ कुछ दबंग युवक मारपीट करते हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दबंगों ने एक युवक को बेल्टों से पीटा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ दबंग जो है एक युवक को बेल्ट के जरिए पीट रहे हैं। वहीं इस दौरान जो पेट्रोल पंप कर्मी है वो बीच बचाव करते हुए नजर आए। तो ये बेल्ट से पीटता हुआ आप देख सकते हैं, ये एक युवक को कुछ दबंग बेल्ट से पीट रहे हैं, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मी यहां पर बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ से पूरा मामला, लखनऊ में एक पेट्रोल पंप के पास ये पूरा मामला जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली। कुछ दबंगों ने एक युवक को बेल्टों से पीटा, वही पेट्रोल पंप कर्मी यहां पर बीच बचाव करते हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है, लखनऊ से पूरा मामला जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि पूरा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां पर पेट्रोल भराने को लेकर पेट्रोल कर्मी और दबंगों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मी की पिटाई शुरू कर दी और बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दबंग हावी है और पेट्रोल पंप कर्मी को पीट रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में अब पुलिस भी एक्टिव हो गई है और पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और राजधानी पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं जिन्होंने दबंगई दिखाई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आपने कहा कि जो दबंग है उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल आ रही है, अब इंतजार इसी चीज का कि आखिर कब इस मामले में गिरफ्तारी होती है। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं मेरठ के सरधाना क्षेत्र में पुलिस की जीप को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें जीप में बैठे तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को कंकरखेड़ा कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं टक्कर मारकर भाग रहे ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने दबोच लिया है। तो मेरठ से खबर जहां अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस जीप पे टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं ट्रक ड्राइवर जो है मौके से फरार हो गया था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका भी कमर में चोट लगी। वहीं बदायूं में मिलावट वाले डीजल पेट्रोल माफिया सक्रिय हो गए हैं, जो नेफटा सॉल्वेट मिलाकर नकली पेट्रोल डीजल बनाते हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य निरीक्षक और पेट्रोल की पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए एक कार के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चार ड्रम मिलावटी तेल के साथ एक ड्रम नकली पेट्रोल भी जब्त किया गया है। वहीं आरोपियों के पास से 650 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भी बरामद हुआ है। आरोपियों को जेल भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये पूरा मामला बदायूं से, जहां मिलावटी डीजल पेट्रोल माफिया सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।